सो हेलो एवरी वन, दिस इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ ओबीजी. आई विल टेल यू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द फीटल स्कल. दिस इज़ अवर फीटल स्कल. अ फीटल स्कल शोइंग अ डिफरेंट रीजन्स एंड अ लैंडमार्क्स इन द ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द लोकेशन. दिस इज़ अवर चिन. इस चिन को हम क्या बोलते हैं? मेंटम. This is mentum. After that, this is our occiput, this is our frontal bone, and this frontal bone is known as bro or sensiput. हम इसको बोलते हैं. This is our frontal bone. ये हमारा क्या है? Frontal bone है. And ये जो joining है, this joining is known as anterior frontal. Means anterior frontal means जो पहले आता है. This is our anterior frontal. And ये हमारा कौन सा shape का होता है? This is our diamond shape. And इसको close होने में 1.5 साल लग जाता है. This side is known as a bregma. 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 This is our vertex. पीछे का जो पार्ट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. दिस इज़ द पोस्टीरियर फ्रंटनल. पोस्टीरियर फ्रंटनल जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है. एंड इसको 6 वीक्स लग जाते हैं फ्यूज होने में. पोस्टीरियर फ्रंटनल. दिस इज़ अवर सिंसिपुट. लास्ट वन इज़ ओसिपुट. अब इसके बाद ही हमने आपको पूरा लेबल करके बता दिया है. अब ये हमारा है फेस. दिस इज़ अवर फेस. नाउ ये आपको अभी कुछ डायग्नल्स शो हो रहे होंगे. सिक्स डायग्नल्स होते हैं. अब इन 6 डायग्नल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑफ द फीटल स्कल. फर्स्ट वन इज सब ओसिपिटो फ्रंटल. जो सब ओसिपिटो फ्रंटल होता है, एक तो होता है 10 सेंटीमीटर का और एक होता है अब इसमें हम बताएंगे कि जो बोन्स होती है फीटल्स की वो कौन कौन सी होती है. 2 फ्रंटल बोन्स होती है, 2 पराइटल बोन्स होती है, 1 ओसिपिटल बोन्स होती है एंड 2 टेम्पोरल बोन होती है. तो जो 2 फ्रंटल बोन होती है वो कहाँ पे होती है? फ्रंट साइड में. दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दे उसके बाद क्या होगा? राइट साइड में होगा. देन ऐसे ही 2 पराइटल बोन होती है, जैसे कि ये हमें शो हो रही है फर्स्ट वन, और एक उसके पीछे होगी. दिस इज़ अवर टेम्पोरल बोन. वन इज़ हेयर एंड अनदर इज़ ऑन अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द 1 ओसिपिट बोन्स. आफ्टर डेट हम सूचर्स बताएंगे. तो जो सूचर्स होते हैं, मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द स्कल बोन्स ऑफ द फीटस इज़ नोन एज सूचर. तो जो स्पेस होती है बिटवीन द बोन्स उनको हम बोलते हैं सूचर. तो जैसे हमें इसमें दिख रहा है, अब यहाँ पे आएगा सूचर्स. ये जो बीच में हमें दिख रहा है ये 2 बोन्स को ज्वाइन कर रहा है. तो जब 2 फ्रंटल बोन्स को जो ज्वाइन करते हैं, एक तो इधर है राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर. बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन. ऐसे ही जब 2 पराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है, मीन्स जॉइनिंग होता है, उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर. देन ऐसे ही कोरोनल सूचर होता है, विच इज़ जॉइनिंग बिटवीन द पराइटल एंड द फ्रंटल बोन. अब पराइटल बोन्स कौन सी बताई थी मैंने? ये और फ्रंटल. ये तो इन दोनों के बीच में जो जॉइनिंग है उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर. एंड लास्ट वन इज लैम्बोइड सूचर. लैम्बोइड सूचर जो होता है वो किसके बीच में होगा? बिटवीन पैराइटल बोन एंड द ओसिपिटल बोन. ये पैराइटल है, ये ओसिपिटल है, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं अब आप इसमें देख सकते हैं, फ्रंटल सूचर मैंने बता दिया है, सजाइटल सूचर बता दिया है, कोरोनल सूचर बता दिया है एंड लैम्बोइड सूचर बता दिया. अब आता है फ्रंटनल. फ्रंटनल क्या आता है? अ वाइड गैप इन द सूचर लाइन वेयर 2 और मोर देन 2 सूचर्स जो होते हैं जुड़ते हैं. जो गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है बिटवीन द सूचर, तो उसको बोलते हैं हम फ्रंटनल. एंड फ्रंटनल 2 टाइप्स के होंगे. 1 इज़ एंटीरियर फ्रंटनल, 2 इज़ पोस्टीरियर फ्रंटनल. जो एंटीरियर फ्रंटनल होता है,
एंटीरियर फॉन्टनल ये वाला है, दिस इज फर्स्ट वन इज एंटीरियर फॉन्टनल। ये क्या होता है, डायमंड शेप का होगा एंड ये फ्यूज होता है 1.5 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज अवर पोस्टीरियर फॉन्टनल जो ट्राइंगुलर शेप का होता है एंड इट फ्यूजेस विद इन 6 वीक्स ऑफ एज। ठीक है, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस जो होते हैं फॉर वन टाइप का होता है वैसे मोस्टली, लेकिन जो पेल्विस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज गायनेकोइड, एंथ्रोपोइड, एंड्रॉइड एंड पैलेटोपोलॉइड। जो गायनेकोइड होता है वो राउंड शेप का होगा, मीन्स लाइक अ सर्कल, इसलिए इसके ये जो होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए प्रिफर किया जाता है। एंथ्रोपोइड जो होता है वो ओवल शेप का होता है। एंड्रॉइड जो होता है वो हार्ट शेप का होगा जिसकी वजह से डिलीवरी इम्पॉसिबल है। एंड पैलेटोपोलॉइड जो होता है किडनी शेप का होता है, जस्ट अवर किडनी पार्ट ऑफ अ पेल्विस। तो पेल्विस के 2 टाइप के होते हैं, वन इज ट्रू पेल्विस, सेकेंड इज फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस में 3 क्राइटेरिया में है, ब्रीम, कैविटी एंड आउटलेट। सो जो नॉर्मल पेल्विस होता है वो कौन सा होता है, गायनेकोइड पेल्विस होता है। नाउ देयर इज अ डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। सो फर्स्ट वन इज एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स। सो जो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है हम ऐसे याद कर सकते हैं 11, 12 एंड 13। ब्रिम में 11, 12 कैविटी एंड आउटलेट इज 13। ऑब्लिक में क्या होगा, ऑब्लिक इज डायगनल टाइप होता है। सो ऑब्लिक में होगा 12, 12, 12 एंड ट्रांसवर्स हमें पता है इस तरीके से होता है। तो जो ट्रांसवर्स होगा वो जस्ट अपोजिट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर 13, 12 एंड 11। नाउ देयर इज अ डायग्राम ऑफ द फीमेल पेल्विस। ये जो फीमेल पेल्विस है अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम के मतलब उसके नीचे का है। दिस इज सैक्रम एंड दिस इज द कॉकिक्स। अब आता है सैक्रम, ये जो हमारा पेल्विस का दिस साइड होता है इसको बोलते हैं ईलियम। देन आफ्टर दैट देयर इज अ ईस्टियल स्पाइन, ये जो कॉन शेप का जो पेल्विस के बाहर होता है इसको बोलते हैं हम ईस्टियल स्पाइन एंड दिस इज कॉकिस। ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है जहाँ पे जॉइनिंग होती है। दिस इज अवर पेल्विक ब्रिम, ये ब्रिम है, ठीक है, ये ब्रिम है। एंड दिस इज एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन। एंटीरियर मीन्स फ्रंट, सुपीरियर अपर साइड एंड ईलिक स्पाइन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया, ये हमारा था पेल्विस। देन आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन डैट कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस टू द यूट्राइन वॉल टू अलाउ न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट एलिमिनेशन एंड गैस एक्सचेंज वेयर द मदर ब्लड सप्लाई। तो जो प्लेसेंटा है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फीटस को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो क्या करता है न्यूट्रिएंट्स अपटेक कराता है, वेस्ट एलिमिनेशंस जो भी होते हैं वो एलिमिनेट कराता है थ्रू प्लेसेंटा, गैसेस एक्सचेंज होती है, मदर से ब्लड सप्लाई मिलता है और जो इंटरनल इन्फेक्शंस होते हैं उससे फाइट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस एन हार्मोन टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। ये सब प्लेसेंटा का फंक्शन है। देन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एवरेज साइज जो होता है 22-70 मीटर लेंथ, 2.2-2.5 सेंटीमीटर्स थिकनेस एंड इट्स सेंटर इज बीइंग थिक्ड एंड द एज बीइंग थिनेस्ट। अप्रोक्सीमेटली जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो 500 ग्राम होता है एंड ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फीटस से थ्रू एम्ब्लाइकल कॉर्ड। एंड एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होती है 55-60-70 मीटर अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ होती है, जो क्या करता है इसमें एम्ब्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती है एंड 1 एम्ब्लाइकल वीन प्रेजेंट होती है। फिर जो प्लेसेंटा होते हैं उसमें 2 प्लेट्स होती है, एक तो होते हैं क्रोनिक प्लेट्स होती है एंड सेकेंड होती है बेसल प्लेट्स। तो जो बेसल प्लेट्स होते हैं मेटरनल के जो एक्सपेक्ट डेसीडुआ जो होते हैं वहाँ पे अटैच होता है और जो क्रोनिक प्लेट्स होते हैं वो इंटरनली होती हैं। ये हमें दिख रहा है मेटरनल बेसल्स वेसल्स है एंड दिस इज अ फ्रंट साइड, दिस इज अ क्रोनिक। अब आता है फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आते हैं मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, न्यूट्रिटिव फैक्टर्स और वेस्ट का एक्सचेंज होता है, वायरस जो होते हैं उनके लिए फाइट अगेंस्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी इन्फेक्शंस प्रेजेंट होता है
उसको डिफेंड करते हैं। अब आता है प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज। सो जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है प्लेसेंटा की, पहली होती है सेकेंड्रेट लोब। सेकेंड्रेट लोब में क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल जो प्लेसेंटा होता है उसमें से स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा, उसको हम बोलते हैं सेकेंड्रेटा लोब। इट कैन लीड टू पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होता है, पहला ये है। सेकेंड है टू इक्वल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा बिलोबाटा, व्हाट वी कॉल इट, प्लेसेंटा बिलोबाटा। फिर आता है वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा में क्या आता है, जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड जो होता है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि जो एमनियोनिक क्रोनिक सैक होता है उनके साथ अटैच होता है। फिर आता है फेनेस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। अ प्लेसेंटा विद अ ओपनिंग ऑन द क्रोनिक प्लेट, जो प्लेसेंटा है वो किसके साथ ओपनिंग है, जो भी क्रोनिक प्लेट होती है उसके साथ ओपन है, एंड द एब्सेंस ऑफ क्रोनिक विलाई। और उसमें ये तो प्लेट होगी क्रोनिक प्लेट, लेकिन इसके अंदर जो ये जो होती है क्रोनिक विलाई जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारी एबनॉर्मेलिटीज थी प्लेसेंटा की। फिर आता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड। अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या होता है, द अम्ब्लाइकल कॉर्ड कनेक्ट अ बेबी टू द वोम टू इट्स मदर। अम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही जो बेबी है मदर से कनेक्टेड रहता है। इट रन फ्रॉम एन ओपनिंग इन अ बेबी स्टमक टू द प्लेसेंटा इन द वोम। और ये जो रन मीन्स ये जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड है रन करता है बेबी के जो स्टमक होता है वहाँ से अटैच होता है। द एवरेज कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो 50-70 meters होता है। अब है अम्ब्लाइकल कॉर्ड में क्या क्या होता है। अम्ब्लाइकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन वीन डेट कैरीज द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। सो जो फीटस जब मदर के वोम में होता है तो जो वीन होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम यू टू योर बेबी, और आपसे आपके बेबी तक वो न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। एंड जो टू आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, रिटर्न करती है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिटर्न करती है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फ्रॉम योर बेबी बैक टू द प्लेसेंटा। अब उसके बाद इसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आती है, जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट कॉर्ड होती है 20-30-70 meters इट ब्रिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। वेरी लॉन्ग कॉर्ड 80-90 इट टेंड्स टू एंटवाइन अराउंड द नेक ऑफ द एक्सट्रीमिटी फीटस। फीटस की नेक के साइड में जो लॉन्ग अम्ब्लाइकल कॉर्ड होता है वो रोल अप हो जाती है। ट्रू नॉट, ट्रू नॉट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो लूप ऑफ कॉर्ड होते हैं नॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीटस होता है उसको रेस्पिरेटरी डिस्टर्स होने के चांसेस होता है। देन आता है कॉर्ड विद एनोमली ऑफ अम्ब्लाइकल कॉर्ड, कॉर्ड में कोई डिफॉर्मिटी है, ठीक है। बाई पैराइटी प्लेसेंटा टू कंप्लीट सेपरेट लोब्स आर प्रेजेंट, दो कंप्लीट जब सेपरेट लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड ईच विद अ कॉर्ड लीविंग इट, और दोनों कॉर्ड वहाँ से शेड अप हो जाती है, लीव इट कर देती है। देन ट्राई पैराइटेड प्लेसेंटा सिमिलर एज अ बाई पैराइट प्लेसेंटा, देर अ थ्री डिस्टिंग लोब मीन्स ये ट्विंस और जो ट्रिपलेट्स बेबी होते हैं उनमें ही होने के चांसेस है। बेसिकली जो ये बुक है इसमें क्या है कि जो बेसिक चीज़ है वो इसमें नीडेड है एंड हम मोस्टली हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ इसी बुक में प्रेजेंट है। नाउ लास्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ अ क्लियर स्लाइटली येलोइश लिक्विड दैट सराउंड द अनबॉर्न बेबी। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्लियरली स्लाइटली येलोइश लिक्विड होता है जो बेबी फीटस होता है उसके सराउंडिंग में होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कंटेंड इन द एमनियोटिक सैक। जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एमनियोटिक सैक में होता है। व्हाइल इन द वोम द बेबी फ्लोट इन द एमनियोटिक फ्लूइड, एंड वोम मदर के वोम में क्या होता है, बेबी फ्लोट कहाँ पे होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में। देन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इज ग्रेटेस्ट एट अबाउट 34 weeks में, बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटेस्ट होता है इन टू द प्रेगनेंसी। वैन इट एवरेज 800 ml एंड अबाउट 600 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड द बेबी एट फुल टर्म। और 800 ml तो हो गया, 800 ml कब है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 34 weeks, लेकिन 600 ml कब होता है, जब बेबी 40
वीक्स जेस्टेशन पीरियड में हो जाता है, मीन्स फुल टर्म बेबी में 600 ml होगा। सो एमनियोटिक फ्लूइड कॉन्स्टेंटली क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है एज द बेबी स्वेलो एंड इनहेल द फ्लूइड। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है एज द, ठीक है, तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है, सर्कुलेट रहता है एट द बेबी स्वेलो, बेबी स्वेलो ना कर दे, ठीक है, एंड इनहेल द फ्लूइड एंड देन इट रिलीजेस। देन उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड किस चीज़ में हेल्प करता है, पहला है द डेवलपिंग बेबी टू मूव इन द वोम विच अलाउ फॉर द प्रॉपर बोन ग्रोथ। तो ये क्या करता है कि बेबी को प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है ताकि बोन का प्रॉपर ग्रोथ हो, लंग्स डेवलप होते हैं प्रॉपरली, कीप अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बेबी के जो फीटस के अराउंड जो होते हैं सराउंडिंग में क्या होता है एक मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर, जिससे क्या होता है फीटस को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस नहीं होते, हीट लॉस नहीं होता। इट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द आउटसाइड इंजरी बाय कुशनिंग सडन ब्लोज और अ मोमेंट। एंड ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फीटस को, क्योंकि ये सराउंडिंग फीटस के होता है तो ये कुशनिंग टाइप का मोमेंट फ्रो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेटेड एनाटॉमी, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।